नमस्कार दोस्तों, रॉकवार जी आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले यहाँ पे Realme 6 के जुलाई के महीने के नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों Realme 6 के लिए जुलाई के महीने का जो अपडेट है ना, वो फाइनली रोल आउट होना चालू हो चुका है। फिलहाल दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जहाँ पे RMX 2001 जो कि Realme 6 का मॉडल नंबर और साथ में B.41 का जो अपडेट है ना, वो फाइनली मिल चुका है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं साइज के बारे में, तो भैया 312 यानी कि 312 MB की अपडेट है और ये फिलहाल रोल आउट हो रहा है Realme 6 के लिए। नीचे देखोगे तो रिकमेंडेशंस के अंदर दिस रिलीज इंक्लूड एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच, फिक्स्ड सम नोन इश्यूज एंड इंप्रूव्ड सिस्टम स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं भैया फुल चेंज लॉक के रिगार्डिंग, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बस जल्दी से एक लाइक कर दो। एम करते हैं 150 लाइक्स की, उम्मीद है आप कर ही दोगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, तो भैया फीचर तो नहीं है, बेसिकली आपको मिलेगा जुलाई के महीने का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच जो कि ऑब्वियसली होने वाला है 5 जुलाई 2020 की। साथ में दोस्तों भैया सिस्टम के अंदर एडेड सिस्टम लैंग्वेज साइबेरियन, मतलब साइबेरियन लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है Realme 6 के अंदर। साथ में दोस्तों ऑप्टिमाइज द पावर कंजप्शन, यानी कि जो बैटरी ड्रेनिंग इशू है ना, उसको फिक्स कर दिया गया है। अब रियलिटी में फिक्स किया गया है कि नहीं किया गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अपडेट लॉक के अंदर मेंशन है ऑप्टिमाइज द पावर कंजप्शन। अब देखते हैं भाई जब अपडेट मिलेगा तो उसके बारे में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले चेंजेस की, तो ऑप्टिमाइज फ्लाइट मोड, ब्लूटूथ स्टेटस विल नॉट बी अफेक्टेड आफ्टर द फ्लाइट मोड इज टर्नड ऑन। इसका मतलब यार मान लो आपने ब्लूटूथ को ऑन किया है और उसके बाद भैया अगर आप ऑन करते हो फ्लाइट मोड को यानी कि एयरप्लेन मोड को, तो उसके बाद में जो ब्लूटूथ है ना वो ऑफ नहीं होगा। और फाइनली दोस्तों नीचे देखोगे तो कैमरे के अंदर एक बग था जिसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों यार इस अपडेट के अंदर डेसिमल पॉइंट के रिगार्डिंग मेंशन नहीं किया है, मुझे नहीं पता इस अपडेट को करने के बाद में डेसिमल पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप भाई एक Realme 6 यूजर हो और अगर आपको ये अपडेट मिला है तो अपडेट को कर लो और उसके बाद में बताओ मुझे कि डेसिमल पॉइंट मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि यार अक्सर देखा है, मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि भैया मेंशन नहीं रहता चेंज लॉक के अंदर लेकिन अपडेट्स के अंदर वो मिल जाता है। तो एक बार चेकआउट करो, अगर आपको अपडेट मिला है तो एक बार जाकर चेकआउट करो कि डेसिमल पॉइंट वाला जो एनिमेशन है ना, चार्जिंग एनिमेशन, वो भैया Realme 6 के अंदर आया है कि नहीं आया है B.41 अपडेट को करने के बाद में। और साथ में मैं आपको बता दूं जो क्लीन अप स्टोरेज वाला फंक्शन है उसको भी रिमूव कर दिया गया है और जो वायरस स्कैन वाला फंक्शन है उसको भी रिमूव कर दिया गया है फोन मैनेजर के अंदर से, क्योंकि ये जो ऐप्स है ना ये चीता मोबाइल के द्वारा आता था और चीता मोबाइल इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। तो ये जो अपडेट है फिलहाल रोल आउट हो रहा है Realme 6 के अंदर। Realme 6 Pro के रिगार्डिंग फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और Realme C3 के रिगार्डिंग भी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही भैया इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपके लिए जरूर से वीडियो बनाऊंगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही मैंने हमेशा स्मार्ट रहिए।